वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने पुरानी गाड़ियों के फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2021 से ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू होगा। इससे पहले सरकार ने दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे से गुजरने वाले सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य किया था। दरअसल फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है, जो आपको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से लगाना पड़ता है। पहले 1 दिसंबर 2017 के बाद रजिस्टर्ड होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किए गए हैं। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए चार पहिया वाहनों पर ये नियम लागू होगा। इसके लिए CMVR यानी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन कर फास्टैग को जरूरी किया गया है। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए एक वैध फास्टैग जरूरी होगा, यानी अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं होगा। आपकी गाड़ी पर लगे फास्टैग आईडी की डिटेल कैप्चर की जाएगी। सभी पुराने वाहनों पर ये स्टिकर अब जरूरी कर दिया गए हैं। 1 अप्रैल 2021 से ये नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। फास्टैग खरीदना बहुत आसान है और ये ऑटोमेटिक काम करता है। आपकी गाड़ी पर लगे फास्टैग को टोल प्लाजा पर लगा सेंसर ट्रैक करता है। इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं। फास्टैग को खरीदना कैसे है, आइए वो भी समझाते हैं। नेशनल हाईवे टोल प्लाजा और 22 दूसरे बैंकों से फास्टैग खरीदा जा सकता है। ये पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक भी फास्टैग जारी करते हैं। एक फास्टैग का इस्तेमाल एक ही वाहन पर किया जा सकता है। फास्टैग अनिवार्य करने के कदम से टोल कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी और टोल पर लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।